लाभ की गणना करते समय लाभ जैसा कि हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा लाभ का सूत्र हो जाता है जिसमें हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करते हैं। जब हानि उस स्थिति में होती है जब विक्रय मूल्य कम और क्रय मूल्य अधिक, तो अधिक में से हम कम वाले मूल्य को अर्थात क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। इस प्रकार क्रय मूल्य ज़्यादा होने पर विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हानि कहलाता है। इन दो सूत्रों की सहायता से हम लाभ एवं हानि ज्ञात करते हैं। इसके बाद कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब हमें लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हानि में से कोई दो मूल्य दिए जाते हैं और तीसरी चीज याद करने को कहा जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लाभ वाले बिंदु पर बात करते हैं। पक्षांतरण से हमें अलग अलग प्रकार से सूत्र प्राप्त होते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। कई बार ये होता है कि हमें विक्रय मूल्य पूछ लिया जाता है और प्रश्न में क्रय मूल्य और लाभ दिया होता है, उस स्थिति में क्रय मूल्य और लाभ दोनों का योग करते हैं, दोनों को जोड़ने पर हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो ये विक्रय मूल्य का सूत्र कहलाता है। कई बार हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ होता है और साथ ही साथ लाभ दिया होता है कि इतने रुपए में वस्तु बेचने पर हमें इतना लाभ हुआ, तो बताइए कि क्रय मूल्य कितना होगा। उस स्थिति में हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य वास्तव में क्रय मूल्य एवं लाभ का योग। तीसरी स्थिति, जब हमें हानि दी होती है